हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पेन होल्डर किस तरह से बनाते हैं वो सिखाऊंगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो माइक्रेम में पेन होल्डर बनाने के लिए हमें चाहिए माइक्रेम। आप यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं या फिर सिंगल कलर में इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे येलो कलर लिया है। आपको जो पसंद हो आप वो कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और कुछ बिट्स मैंने यहाँ पे लंबे बिट्स यूज़ किए हैं। और दो रिंग चाहिए, क्योंकि आज मैं जो आपको पेन होल्डर बताने जा रही हूँ वो स्क्वायर में बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे दो स्क्वायर रिंग ली है। तो हमारी ये एक रिंग 4 इंच की है, हमारी ये दोनों रिंग 4 इंच की है। और हमेशा की तरह लाइटर और सीजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमें पेन होल्डर बनाने के लिए 1.5 मीटर की कॉर्ड चाहिए, 1.5 मीटर की कॉर्ड लगेगी हमें। हम यहाँ पे जितने भी कॉर्ड यूज़ करेंगे वो सभी 1.5 मीटर की होगी। देखिए यहाँ पे 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर हो गया। तो हमें 1.5 मीटर कॉर्ड चाहिए, तो हम आगे और 50 सेंटीमीटर तक इसे काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 150 मतलब 1.5 मीटर। तो यहाँ पे हम इसे कट लगा देंगे। तो हमें यहाँ पे एक कॉर्ड मिल गई 1.5 मीटर की। तो अब हम इसे ही लेकर सारे कॉर्ड कट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक 4 इंच की रिंग ली है, स्क्वायर रिंग। और यहाँ पे 1.5 मीटर की कॉर्ड ली है, सिंगल कॉर्ड 1.5 मीटर है, उसे मैंने इस तरह से डबल कर लिया है। और जैसे कि हम हमेशा लगाते हैं उसी तरह से ये कॉर्ड हम इसे अटैच कर लेंगे। तो इसी तरह से ये पूरा स्क्वायर हमें कॉर्ड लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे कॉर्ड लगा लिए हैं। ये टोटल 44 कॉर्ड है जो मैंने इस रिंग में लगाए हैं। अब हम यहाँ से नॉट स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सिंपल नॉट स्टार्ट करेंगे। अगर आप न्यू व्यूवर्स हो तो प्लीज़ आप मेरा बेसिक वीडियो देखिए, उसमें मैंने ये जो नॉट्स मैं लगाती हूँ वो किस तरह से लगाते हैं वो डिटेल में मैंने बताया है। हमें इसी तरह से सिंपल नॉट लगाते हुए ये पूरा स्क्वायर कंप्लीट करना है। कि इस तरह से एक सिंपल नॉट की लाइन कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे जो दो नॉट है उनके बीच के हम 4 कॉर्ड लेंगे और यहाँ पे फिर से नॉट लगाएंगे। Thank you.
सेकेंड स्क्वायर भी हम इसी तरह से सिंपल नॉट लगाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब सेकेंड जो हमारा स्क्वायर है वो कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे बीट्स डालेंगे। तो देखिए बीट्स डालने के लिए जो दो नॉट होते हैं उसके बीच वाले दो कॉर्ड लेंगे हम और इसमें ये बीट्स डालेंगे। मैंने यहाँ पे लंबा बीट्स लिया है, आप चाहे तो कोई भी बीट्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे नॉट लगा देंगे। देखिए इसी तरह से बीट्स लगाते हुए ये पूरा स्क्वायर हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी एक स्क्वायर लाइन हो गई बीट्स के। अब हम नीचे से यहाँ से स्क्वायर नॉट ही स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक हमें पेन होल्डर की हाइट चाहिए वहाँ तक हम सिंपल नॉट ही लगाएंगे। अक्सर पेन होल्डर की हाइट जो है वो कम होती है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा लाइन तो नहीं लगाऊंगी नॉट्स। ये मल्टी यूजेस है, आप इसे कटलरी होल्डर की तरह भी यूज कर सकते हैं या फिर पेन होल्डर की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमें ये नॉट लगाते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ तक इसकी हाइट कर ली है। ये जो हम बना रहे हैं पेन होल्डर है या फिर आप इसे स्पून के स्टैंड की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे बीट्स के नीचे से 9 लाइन तक ये नॉट लगाए हैं। अब मैं यहाँ पे नीचे से फिर से स्क्वायर रिंग लगाऊंगी, उसके लिए मैंने ये 4 इंच की स्क्वायर रिंग ली है। अब हम इस रिंग को इसके अंदर डालेंगे। स्टार्ट करेंगे इस रिंग को, इस तरह से हम ऊपर से रैप करेंगे। देखिए मैंने फर्स्ट कॉर्ड ली, thank you.
यहाँ पे हमने ये सिंगल सिंगल कॉर्ड डाले हैं तो यहाँ पे उसे ये डबल हो जाते हैं, मतलब हमने ये सिंगल कॉर्ड डाला तो यहाँ पे हमें दो कॉर्ड मिल जाते हैं। तो ऐसा होने पर ना ये जो हमारी नीचे की स्क्वायर रिंग है यहाँ पर हम अगर डबल पाइपिंग करेंगे तो मतलब ये रिंग कम पड़ जाएगी हमारी कॉर्ड के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट करके ये किया है, क्योंकि मैंने कुछ कॉर्ड डबल लॉक किए हैं और कुछ मैंने सिंगल किए हैं। तो जो जो हम सिंगल करते हैं वो देखिए यहाँ पे कि इस तरह से लूज पड़ जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एक सिंपल नॉट की एक लाइन लगा लेंगे ताकि ये जो लूज पड़े हुए कॉर्ड है इनको हम टाइट कर दें। तो मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी, यहाँ से मैंने चार कॉर्ड लिए। सिंपल नॉट लगाते वक्त ये जो कॉर्ड है उनको टाइट खींच लीजिए, अगर आप खींच लेंगे तो यहाँ पे वो टाइट हो जाएगा और अच्छे से दिखाई देगा और इससे इसे मजबूती भी आ जाएगी। तो देखिए इस लाइन को टाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन पूरा स्क्वायर सिंपल नॉट लगा लिया है। अब हम कोई भी एक इसमें से कॉर्ड लेंगे, मैं यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी। देखिए मैंने यहाँ पे ये एक कॉर्ड ले ली, अब हम इसे पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग करने के लिए देखिए जो मैंने एक कॉर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करके ली थी वो मैं इस तरह से रखूँगी और इसके ऊपर ये वाला कॉर्ड इस तरह से, देखिए इस तरह से। ठीक उसी तरह से सारे कॉर्ड लेके हमें पाइपिंग करनी है और ये जो हमारी मेन कॉर्ड है जो मेरे हाथ में है इसे हम ज़रूरत पड़ने पर टर्न करके एडजस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे स्क्वायर में भी पाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे राउंड पाइपिंग ही करने वाली हूँ। अल्टरनेट कॉर्ड लेके भी आप ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कॉर्ड हैं, मैं यहाँ पे अल्टरनेट कॉर्ड ले रही हूँ, तो जो नहीं लगते हैं कॉर्ड वो उसे मैं यहाँ अंदर डाल दूंगी। और देखिए यहाँ पे जो है कॉर्नर आया है तो मैं यहाँ से ये जो कॉर्ड है इसे टर्न करके लूँगी इस तरह से, देखिए इस तरह से। अब जो है मैंने ये कॉर्ड को इस तरह से टर्न कर लिया,
ठीक उसी तरह से जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे राउंड किया है, उसी तरह से यहाँ पे हमें राउंड बनाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉर्ड आ जाते हैं, तो इसे मैं अंदर डालूँगी और कोई एक कॉर्ड लेके मैं यहाँ पे इसे राउंड टर्न कर लूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने ये पाइपिंग करके एक राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मेरा एक राउंड कंप्लीट हो गया और ये जो हमारी मेन कॉर्ड है इसे हम फिर से अंदर की तरफ सेम कंटिन्यूटी में यूज़ करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये कंटिन्यू किया है और इस कॉर्ड को मैंने अंदर लिया है। मैंने यहाँ पे कोई दूसरी कॉर्ड यूज़ नहीं की है, जो कॉर्ड मैंने यहाँ से टर्न करके लिए उसे ही मैंने अंदर ली है। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होने के बाद हमें इसी कॉर्ड को अंदर लेना है और इस तरह से ये पूरा पाइपिंग हमें बनाना है। अगर एक कॉर्ड कम पड़ जाए करते वक्त तो आप यहाँ पे थोड़ा सा और कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिए और ये पाइपिंग कम्प्लीट कर लीजिए। जैसे जैसे ये राउंड सर्कल कम होते जाता है वैसे वैसे थोड़े थोड़े कॉर्ड यहाँ पे कट करके इस तरह से जलाकर इसे अंदर डाल देंगे। जितने भी यहाँ पे कॉर्ड थे हमने इसी तरह से उसे अंदर डाला है, क्योंकि ये जो राउंड होता है वो आगे चल के छोटा छोटा होता जाता है, तो उतने कॉर्ड जितने हमारे कॉर्ड थे उतने तो इस राउंड में जाते नहीं हैं। तो जिन कॉर्ड की हमें ज़रूरत ना हो उसे हम यहाँ पे जलाकर स्टिक करके अंदर डाल देंगे और फिर से हम हमारा राउंड कंप्लीट करेंगे। इससे ये राउंड छोटे होने में इसकी मदद होती है। ये बाकी बचे तीन कॉर्ड भी हम कट कर देंगे। और इसे यही पे स्टिक कर देंगे। और इसे इस तरह से अंदर डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से इसकी मैंने ये पाइपिंग कर ली है राउंड सर्कल में। आप चाहे तो इसे स्क्वायर में भी पाइपिंग इसकी कर सकते हैं, लेकिन ये जो राउंड सर्कल में आप पाइपिंग करते हैं वो दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, तो इसलिए मैंने राउंड सर्कल में की है। तो इस तरह से ये हमारा स्क्वायर में पेन होल्डर बन के रेडी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूले। और मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाले हैं। मैं थोड़ी बिजी थी, मेरे घर का रिनोवेशन चल रहा था तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। उसमें से भी मैंने टाइम निकल कर ये पेन होल्डर बनाया है और मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी घर के काम से, तो मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करती रहूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।